हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम यूपीएससी और यूपीपीसीएस मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ का डिस्कशन कर रहे थे और इसी क्रम में आज जो हमारा छठवां दिन है उसमें हम जीएस पेपर 3 के जो यूपीएससी मेंस का सिलेबस है उसके इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के हिस्से के एक प्रश्न को टैकल करेंगे कि किस प्रकार आंसर लिखा जाए। और आप इस जो हमने आंसर आज डिस्कशन किया है उसका 250 शब्दों में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप t.me/upscHindiwithGaurav को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, upscHindi@upscHindi आप सर्च करें और हमें फॉलो करें। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप यहाँ इस पेज पर मेरी छोटी सी जानकारी देख सकते हैं और हम सीधे प्रश्न शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक जो टिप्स है, एक इम्पॉर्टेंट टिप्स, वो देख लीजिए कि अगर कोई भी पारितंत्र की उपयोगिता का प्रश्न आए, जैसे अगर हम बात करें इस प्रश्न को पहले हम पढ़ते हैं और हर बार की तरह जो मेरा रिक्वेस्ट रहा है कि आप प्रश्न को पढ़ें, एक मिनट उसके बाद समझें कि क्या आंसर लिखना चाहिए, ऐसे जैसे मैंने दृष्टिकोण, भूमिका, मुख्य भाग और ये निष्कर्ष वाला बनाया है, इस तरह से कम एक रफ वर्क कर लें, उसके बाद ही आगे वीडियो सुने। तो दोस्तों प्रश्न पढ़ते हैं। मैंग्रोव वन समृद्ध पारितंत्र का उदाहरण है, इस संदर्भ में मैंग्रोव वनों की उपयोगिता एवं इनके समक्ष चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। तो आपसे प्रश्न इस प्रकार पूछा है और बोला है पारितंत्र यानी मैंग्रोव पारितंत्र, अगर आप प्रश्न को पढ़ें तो एक स्टेटमेंट कह रहा है कि मैंग्रोव वन समृद्ध पारितंत्र का उदाहरण है, ठीक है, और इस संदर्भ में आपको क्या करना है, मैंग्रोव वनों की उपयोगिता पे चर्चा करना है। देखिए उपयोगिता जो मुख्य भाग है वो उपयोगिता पे चर्चा है, उसके बाद इसके समक्ष चुनौतियों पर चर्चा है, तो दो मुख्य भाग का इसके पार्ट है, ठीक। भूमिका में आपको समझना होगा कि भूमिका में आप क्या बता सकते हैं, जो ये संदर्भ है उसी को थोड़ा व्याख्या कर सकते हैं, उसी को थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब हम कहें तो आप मैंग्रोव वनों का परिचय दे सकते हैं, इसकी समृद्धता को बता सकते हैं, या अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली आप विभिन्न एग्जांपल्स के माध्यम से, और आपके पास अगर जानकारी है तो मैंग्रोव वनों का पूरे दुनिया में डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है, तो आप उस तरफ से भी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। उसका जो निष्कर्ष होगा, हमेशा की तरह क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो चुनौतियों का समाधान के प्रति आपकी एक विशेष ललक होनी चाहिए, एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि किस प्रकार चुनौतियों का समाधान करेंगे, तो आप कुछ समाधान बताएं चुनौतियों का, और अगर कोई पहल आप जानते हैं जो मैंग्रोव संबंधित चुनौतियों का समाधान कर रही है तो उस पहल को भी उल्लिखित अवश्य करें। तो अब हम देखते हैं कुछ एक्सपर्ट टिप्स। आपने इस प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ा होगा, प्रश्न अपने दिमाग में बनाए रखें या फिर नोट कर लें। एक्सपर्ट टिप्स देखते हैं। किसी भी पारितंत्र की उपयोगिता पूछे, जैसे यहाँ पर मैंग्रोव पूछा है, हो सकता है मैंग्रोव की जगह प्रवाल भित्तियाँ पूछ दें। उदाहरण के तौर पर आपने अगर देखा होगा 2019 का जो सीएससी मेंस का पेपर है उसमें देखा होगा तो प्रवाल भित्ति का प्रश्न पूछा गया है, प्रवाल भित्ति का एग्जाम्पल पूछा गया है, तो आप उसमें भी इसी तरह का जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है उसको देख सकते हैं, उसको इस सर्विस से बता सकते हैं। जैसे देखिए इकोसिस्टम सर्विस आपको सोचनी है दिमाग में, प्रीलिम्स के दौरान आपने पढ़ा होगा कि क्या क्या इकोसिस्टम की सर्विसेज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल कल्चरल, प्रोविजनिंग, सपोर्टिंग, रेगुलेटिंग, ये चार इकोसिस्टम की सर्विस होती हैं जिसको हम शॉर्टकट में CSR+P के नाम से इसको याद कर सकते हैं, इसको आप शॉर्टकट में इस तरह से याद कर सकते हैं। अब क्या है, ये आपकी चार तरह की सर्विसेज हैं, ठीक है, चार तरह की सर्विसेज को आपको एक्सप्लेन कर देना है कि किस प्रकार उपयोगिता है इनकी। और जो सेकेंड पार्ट है चुनौतियाँ, जो चुनौतियाँ हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, मानव एवं प्राकृतिक में तोड़ें। देखिए जो UPSC का आंसर है, कभी भी हम उत्तर लेखन करते हैं तो आप तक, आपने अगर हमारे अब तक 5 लेक्चर देखे होंगे जो इस पे आ चुके हैं आंसर राइटिंग पे, हमेशा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपका स्ट्रक्चर, आपकी प्रेजेंटेशन, तो जब आप ऐसे चीज़ों को हेडिंग वाइज कर देते हैं, सब हेडिंग में कर देते हैं, तो अंदर का आंसर आपको खुद दिमाग में अपने आप लॉजिकल रीजनिंग से आप आंसर कर सकते हैं, आपको बहुत रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जैसे अब चुनौतियाँ पूछे तो चुनौतियाँ कोई भी पारितंत्र हैं तो दो प्रकार की चुनौतियाँ याद कर सकते हैं आप, मानव जनित होती हैं और दूसरा क्या होती हैं, प्राकृतिक चुनौतियाँ होती हैं। आप आँख बंद करके हर प्रकार के प्रश्न में इस प्रकार स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं अगर वो किसी पारितंत्र पे पूछे। इसके अलावा भारत सरकार की नीतियाँ और योजनाएँ, जैसे यहाँ पे अभी हम देखेंगे एक मैंग्रोव फॉर फ्यूचर पहल है जो कि आपने UPSC प्रीलिम्स के दौरान पढ़ा होगा, IUCN की वो चल रही है, अभी हम देखेंगे आगे कि किस प्रकार इन सब चीज़ों को आंसर में
इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं मैनग्रोव वन लवणीय मृदा में उत्पन्न होने वाले इकोटोन। इस शब्द को ध्यान रखें, इकोटोन पारितंत्र का उदाहरण है जो समुद्री एवं स्थलीय पारितंत्रों की सीमाओं पर होने के कारण जैव विविधता से अति समृद्ध है। तो मैंने बता दिया प्राणी जाति एवं वनस्पतियों की जैव विविधता से अति समृद्ध है। और मैंने देखिए इंट्रोडक्शन में क्या बता दिया, जो मैंने बोला था यहाँ पे आप अगर टुकड़ों में तोड़ें तो मैनग्रोव पारितंत्र का एक परिचय दे दिया। और मैंने बोला क्यों बहुत ज़्यादा समृद्ध है, क्योंकि यह इकोटोन प्रकार का एक इकोसिस्टम है। मतलब आप कह सकते हैं इसमें एज इफेक्ट, अगर आपने पढ़ा होगा और चीज़ों को समझते हैं तो एज इफेक्ट इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनकी उपयोगिता को इनके द्वारा प्रदत्त इकोसिस्टम सेवाओं के आधार पर समझा जा सकता है। तो अब मैंने अगला स्टेप क्या किया, लिंकिंग फ्रेज जोड़ा, क्योंकि प्रश्न में जो मुख्य भाग लिखना था पार्ट ए में उपयोगिता बतानी थी। तो मैंने बोल दिया पहला प्रोविजनिंग, जो पी है प्रोविजनिंग में, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए क्या, कठोर एवं लवण सहनशील लकड़ियाँ होती हैं सुंदरी वृक्ष, जो गृह एवं नौका निर्माण हेतु उपयुक्त होते हैं। तो ये मैंने बताया। इसके अलावा क्योंकि ये वन है तो यहाँ पे चारकोल शहद आदि तो आपको प्राप्त हो ही जाएंगे, तो वो लिख दिया मैंने। तो देखिए सिंपल सी बात है, प्रोविजनिंग के अंदर हेडिंग में अब कोई भी पारितंत्र पूछेगा आप यही हेडिंग डालें और अंदर बस थोड़ा सा चेंज करें। जैसे यहाँ पे मान लीजिए शीतोष्ण वन होते तो शीतोष्ण वन में सॉफ्ट लकड़ियाँ होती हैं तो आप उसको कोट कर सकते हैं। दूसरी जो सर्विस है रेगुलेटिंग, रेगुलेटिंग को मैंने क्या बोला, रेगुलेटिंग का मतलब होता है नियामक सेवाएँ। तो नियामक सेवाएँ कौन कौन सी हैं, अत्यंत वृहद कार्बन भंडार है, मैंग्रोव को ब्लू कार्बन भी बोलते हैं, जो इसका कीवर्ड होता है ब्लू कार्बन, क्योंकि पूरा कार्बन स्टोरेज है। जलवायु परिवर्तन से जो बचाव कर सकता है, तटीय क्षेत्रों एवं समुदायों को सुनामी चक्रवातों आदि से प्राकृतिक रक्षक की भूमिका निभाता है। ठीक है, तो कोई भी चक्रवात आएगा तो पहले मैंग्रोव वनों से लड़ेगा, क्योंकि इसमें झाड़ियाँ झंखाड़ियाँ होती हैं तो वो चक्रवात की गति को स्लो कर देगा। तो आप इस तरह से वो कर सकते हैं। अब अगला सपोर्टिंग सर्विसेज, तो पी हो गया आर हो गया, अब ऐसा आते हैं सपोर्टिंग सर्विसेज। समुद्री कटाव से सुरक्षा, डेल्टाई भूमि का निर्माण। ठीक है, देखिए क्या होता है, जब जो मैंग्रोव वन होते हैं वो नदी जो अपने साथ अवसाद अपर्दन करके ले आती है उसको रोकते हैं और डेल्टाई भूमि का निर्माण होता है। समुद्री कटाव से सुरक्षा करते हैं, मैंग्रोव क्या है, समुद्री लहरें आ रही हैं, मैंग्रोव नहीं होते तो पूरी जो तटीय भूमि थी उसको काट डालते, लेकिन मैंग्रोव रोक देते हैं, जड़ों में रोक देते हैं। जल के अंतर प्रवेशन से रक्षा करते हैं, जो लवणीय जल समुद्र का होता है वो खेतों में ना पहुंच जाए, जो स्थानीय आबादी है आजीविका उनकी संरक्षण के लिए ये क्या करता है उसको भी रोकता है। आप कह सकते हैं जल को फिल्टर करता है, अगर आप और एक टेक्निकल कीवर्ड में जाना चाहें तो जल के फिल्ट्रेशन का काम करता है। फिर ये क्या करता है, प्राकृतिक आवास प्रदान करता है। ये सारी आ रही हैं सपोर्टिंग सर्विसेज के अंदर। प्राकृतिक आवास मुझे केवल एक याद था, बंगाल टाइगर याद आ रहा था, आपको और चीज़ें याद हो तो आप उनको भी कोट कर सकते हैं। तो बंगाल टाइगर जैसी प्रजातियों का एवं समृद्ध जैव विविधता को ये क्या कहता है, हैबिटेट का काम भी करता है, तो मैंने वो लिख दिया। इसके बाद जो सर्विस है कल्चरल सर्विस, तो कल्चरल सर्विस क्या होती है, मैंग्रोव देखने में बहुत सुंदर प्रजाति अच्छे लगते हैं, वहाँ पर पर्यटन हो सकती हैं, पर्यावरणीय शिक्षा के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं और स्थानीय लोगों की आजीविका हेतु इनका उपयोग किया जा सकता है। और स्थानीय लोगों की आजीविका मेनली आप लिख सकते हैं नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे कि जो शहद था हमने लिखा था, चारकोल है, इसके अलावा जो भी चाहें आप उसको लिख सकते हैं, जलावन की लकड़ी, ये सब आप लिख सकते हैं। तो मैंने उपयोगिता पे चर्चा कर दी, यहाँ पे आपने देखा सपोर्टिंग, हमने क्या किया इकोसिस्टम सर्विस के माध्यम से उपयोगिता पे चर्चा कर दी। अब क्या लिखेंगे, अब हमें चुनौतियाँ बतानी है, तो चुनौतियों को अब्रप्टली स्टार्ट करने के बजाय एक लिंकिंग फ्रेज जोड़ें। पिछले चार दशकों में लगभग 20% पर्यावास विनाश यानी मैंग्रोव का जो क्षति हुआ है लगभग कुल एरिया का 20% हुआ है, के साथ मैंग्रोव निम्न चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। निम्न चुनौतियां मैंने फिर से कहा था किसमें तोड़े, मानव जनित और प्राकृतिक। मानव जनित चुनौतियां क्या हैं, मानव सीधे प्रत्यक्ष कटाई करता है, हमने क्या बात की थी लकड़ी किसके लिए, नौका, और हमने शुरू में डिस्कशन किया था या तो नाव बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, कृषि हेतु भूमि प्राप्ति के लिए भी काट देता है पूरे वन, निर्वनीकरण करता है। फिर दूसरा नदी के ऊपरी सोच पे आप बांध बना देते हैं तो उससे क्या होता है, मृदा की कमी हो जाती है। देखिए जब नदी के ऊपरी सोच पे बांध बना देते हैं तो बांधों में सिल्टेशन होता है और अवसाद नदी के निचले स्तर पे यानी जो नदी का मुहाना है वहाँ तक आ नहीं पाते हैं और जो पारितंत्र है उसका विनाश हो जाता है, तो आप ये बता सकते हैं। तीसरा मानव द्वारा प्रेरित जो जलवायु परिवर्तन है उससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और मैंग्रोव उससे डूबते जा रहे हैं, तो आप ये लिख सकते हैं। तो तीन पॉइंट हमने बता दिया मानव जनित चुनौतियाँ, आप प्राकृतिक चुनौतियां भी एक जरूर इंक्लूड करें क्योंकि बाढ़ चक्रवात एवं सुनामी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो भी मैंग्रोव को काफ़ी क्षति पहुंचाती हैं।
उसके उदाहरण में मैंने हालिया फेनी चक्रवात को भी कोट कर दिया है। आपको अगर कुछ आंकड़े याद हैं यहाँ पे कि इतने हेक्टेयर भूमि की क्षति हुई थी तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये लिख दें हालिया फेनी चक्रवात से बड़ी संख्या में या फिर कह सकते हैं बड़े क्षेत्र पर या बड़े पैमाने पर मैंग्रोव वनों का क्षति हुआ था। तो हमने ये लिख दिया चुनौतियाँ। अब हमें क्या करना है, चुनौतियों का कुछ समाधान पर चर्चा करनी है निष्कर्ष के तौर पर, या फिर नहीं पता है समाधान तो आप क्या बता सकते हैं कि सरकार कुछ समाधान के प्रयास कर रही है। तो हम देखते हैं हमने क्या लिखा, निष्कर्षता मैंग्रोव वनों के महत्व को देखते हुए इसके संरक्षण एवं संवर्धन के उपाय आवश्यक हैं, जिस हेतु IUCN का मैंग्रोव फॉर फ्यूचर पहल एवं भारत सरकार के CRZ यानी कोस्टल रेगुलेशन जोन रेगुलेशन अति उपयोगी सिद्ध होंगे। तो मैंने बता दिया भारत सरकार एक काम कर रही है, एक काम IUCN भी कुछ कर रही है। आपको अगर आपने प्रीलिम्स की तैयारी ढंग से की है तो आपको पता होगा ढेर सारी योजनाएं चल रही हैं मैंग्रोव वनों को बचाने के लिए, जैसे इंडिया में एक और प्रोजेक्ट है इंडियन कोस्टल जोन मैनेजमेंट, ढेर सारे प्रोजेक्ट हैं। मैंने फिर कहा क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो ज्ञान का नहीं बल्कि समझ की परीक्षा है, मेंस की बात करें तो मेंस संरचना की परीक्षा है, किस तरह से आप आंसर प्रेजेंट कर पाते हैं अपने ज्ञान को, तो आप हर चीज़ को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश मत करें। आपको ये भी ध्यान देना है कि टाइम और स्पेस आपके पास लिमिटेड है, क्योंकि 11 मिनट के अंदर आप मैक्सिमम 250 से 280 शब्द ही लिख सकते हैं, तो उस प्रकार का प्रयास जारी रखें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कृपया इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर इसकी हमेशा नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं आप तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करें। धन्यवाद।